क्योंकि हमारे पूल में ऐसी टीमें हैं जो कमजोर हैं और हम सोचें कि इनके खिलाफ तो हम जीत ही जाएंगे। अगर आप यूएई देख ले, ऐसे होता नहीं है, कमजोर टीम के अगेंस्ट भी जाके क्रिकेट ही खेलना पड़ता है और रन ही करने पड़ते हैं और विकेट्स निकालने पड़ते हैं, अपने आप मैच नहीं जीते जाते। और आई डोंट थिंक कि मैं कुछ अलग कह रहा हूँ, सभी को पता है ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मगर उस दिन जाके फोकस रहना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और कॉम्प्लेसेंसी को कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस को कोई जगह नहीं है। आई डोंट थिंक मैं कुछ नई बात कह रहा हूँ, मगर उस दिन खुद को बताना भी, मैच शुरू, दिन शुरू होने के पहले खुद को वो एक उस तरह से मैसेज देना। और जो आपकी नॉर्मल कोई भी अच्छे टीम के अगेंस्ट भी प्रेपरेशन होती है, उस प्रेपरेशन को रिस्पेक्ट करके उसी तरह से रूटीन रखना इज इम्पॉर्टेंट। तो हम ये उम्मीद करें कि जब हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे तो सामने कम से कम वो दो टीमें नहीं रहे। नहीं, उस दिन क्या होता है, कंफर्टेबल ओपोनेंट कौन नहीं, अगर आप देखो तो ये 2011 का वर्ल्ड कप हम खेले, ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल्स, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स और श्रीलंका जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी और इन कंडीशंस में बिल्कुल सबसे टफ ओपोनेंट, तो ये तीन टॉप टीमों के अगेंस्ट हम खेले और जीते। तो उस दिन हम कैसा क्रिकेट खेलते हैं वो मैटर करेगा कि कौन ऑपोजिशन है। हाँ बिल्कुल, आई मीन यू वुड वांट अ वीकर ऑपोजिशन, मगर वीक ऑपोजिशन भी आपको उस दिन आके हरा सकते हैं। ये नहीं कि वीक ऑपोजिशन है तो आप जीत ही लोगे, उस दिन आपको जाके अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा और वो पहले दिन से उस मैच, उस चीज़ की शुरुआत हो जानी है, अपने दिमाग में रखकर उस चीज़ को आगे बढ़ना है। हम इंडियन टीम पर वापस लौटते हैं, हम जब बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अगर किसी को समझ में आए क्रिकेट या ना आए, इतना सब कह देते हैं कि अरे दो पेसर को क्यों खिलाया, दो स्पिनर को क्यों खिलाया। जब आप जाते हैं मैदान पर, जब आप उतरते हैं, तो आप अपने बेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं या आप अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ उतरते हैं? मैं कहूँगा कि आपके बेस्ट बॉलर्स मेक द बेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों फास्ट बॉलर्स के लिए उनके कंडीशंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे, मगर उस समय मैं अगर कप्तान रहूँ तो मैं सोचूँगा कि इन्हें मेरे बेस्ट चार बॉलर्स कौन हैं या मेरे बेस्ट पांच बॉलर्स कौन हैं, शायद उसमें दो स्पिनर रहे या एक स्पिनर रहे, मैं उन बेस्ट बॉलरों को पिक करूँगा। और आपको ये भी देखना है कि आप किस तरह के सरफेस पे खेल रहे हो। कोई कोई सरफेस ऐसे रहेंगे जिस पे ज़्यादा घास नहीं रहेगी, ग्राउंड्स थोड़े लंबे रहेंगे तो वहाँ स्पिनर्स काम में आ सकते हैं। कोई कोई ग्राउंड्स ऐसे रहेंगे जहाँ विकेट पे घास रहेगी और ग्राउंड्स भी छोटे रहेंगे, खास करके न्यूजीलैंड में थोड़े अलग शेप के ग्राउंड्स होते हैं, तो उस पे अगर घास रहे तो मैं सीमर को थोड़ा ज़्यादा बैक करूँ, अगर ग्राउंड्स बड़े हैं तो स्पिनर्स ज़रूर काम में आएंगे। लेकिन दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का रोल टीम के अंदर रह सकता है यहाँ पे? अगर मुझे अगर डिसीजन लेने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा कि आप तीन में से दो बेस्ट स्पिनर्स उस समय जो डाल रहे हैं उनको खिलाओ, चाहे वो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स क्यों ना हो, अक्षर और जडेजा एक साथ खेल सकते हैं, मैं कहूँगा दोनों एक साथ अगर खेल लें लगभग एक जैसा रोल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत है। जब श्रीलंका जीती थी वर्ल्ड कप 1996 में, उनके पास दो ऑफ स्पिनर थे जो उनके मेन बॉलर्स थे, मुरलीधरन और धर्मसेना, वो उनके दो मेन बॉलर्स थे। तो ऐसी बात नहीं है कि दो ऑफ स्पिनर से आप नहीं जीत पाओगे या दो लेफ्ट आर्म स्पिनर से नहीं जीत पाओगे, आपको आपके उस मैच के लिए बेस्ट बॉलर्स पिक करने हैं। वो चेंज हो सकता है मैच बाय मैच, वो आप जो सिलेक्शन वहाँ पे टूर कमिटी मीटिंग जो करती है उनको डिसाइड करना है कि विकेट देख के, कंडीशंस देख के और नेट में कौन कैसे बॉलिंग कर रहा है वो देख के। क्रिकेट में सरप्राइज़ की बात आपने की थी अभी सचिन, जब बैटिंग ऑर्डर का जिक्र हम कर रहे थे आपने कहा था कि कई बार सरप्राइज हो जाते हैं ओपोनेंट्स। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की सबसे बड़ी ताकत ये नज़र आती थी कि वो कोई ऐसा फैसला ले लेते थे कि सरप्राइज हो जाते थे जो हमारे विरोधी थे। आज की तारीख में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी क्या वैसी ही है जैसी 2011 में थी? इवॉल्व किया है, बेहतर हुए हैं, सेम है, ख़राब हुए हैं, क्या हुआ है? आई थिंक कप्तानी बहुत मैटर करती है कि तुम्हारी टीम कैसे खेल रही है। अगर टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही तो आपकी थिंकिंग एक अलग सी हो जाती है,
और मैचेस अगर नहीं जीत पा रहे हो कंसिस्टेंटली तो भी आपकी थिंकिंग अलग होती है, थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाती है थिंकिंग अगर मैचेस नहीं जीत रहे हो। मैचेस जीत रहे हो तो आप अलग अलग सरप्राइज इंट्रोड्यूस करने के लिए डरते नहीं हो या थोड़ा कम सोचते हो, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट्स नॉर्मली सही होते हैं, मैं बिलीव करता हूँ। मगर जब आपके इंस्टिंक्ट्स को भी क्वेश्चन करने लगते हो और वो क्वेश्चन करने लगते हो तभी जब रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं लग रहे हो, तो कि ये डिसीजन सही है या नहीं है, ये जब आप सोचने लगते हो ज़्यादा तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। धोनी ऐसे कैप्टन मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जो डिसीजन लेते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ ये रही है कि वो काफ़ी बैलेंस्ड है और वो काम रहते हैं। सिचुएशन टफ मोमेंट्स आते हैं तो वो उनका कंपोजर को डिस्टर्ब नहीं होने देते, वो काम ही रहते हैं और डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने पे फोकस करते हैं रादर देन द प्रॉब्लम। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो उसी तरह से आगे बढ़े और इस टूर्नामेंट में गाइड करे सब। लेकिन प्रेशर तो बढ़ ही जाता है ना जब सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में ना हो तो। नहीं देखो मेरे साथ और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में थे उस समय, जो इस टीम में है नहीं, और ये चलता आ रहा है कि है ना, जो प्लेयर्स 2003 में थे हमारे ड्रेसिंग रूम में वो 2011 में नहीं थे, उनमें से कोई प्लेयर्स मिसिंग थे, तो ये चलता रहेगा। मे बी अभी 2015 के प्लेयर्स, इसमें से कोई प्लेयर शायद अगले वर्ल्ड कप में ना हो, मगर जो प्लेयर्स है उन प्लेयर्स से आप बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकलवाते हो इज़ व्हाट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो आपके पास नहीं है उस पर ना फोकस करें, जो आपके पास है और उससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हो उस पर फोकस करें। धोनी के बारे में कहा जाता है कि वो मैच की सुबह भी बहुत सारे फैसले ले लेते हैं, मैच के दौरान भी। एक बार आशीष नेहरा ने कहा कि मुझे तो पता नहीं था मैं खेल रहा हूँ, अचानक मैच से पहले गेंद मेरी तरफ उछाल दिया उन्होंने। आप कभी सरप्राइज हुए हैं धोनी के किसी फैसले से? नहीं, ऐसे सरप्राइज नहीं हुआ हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमारी बात होती है नॉर्मली एक दूसरे से। मैं यही समझता हूँ कि कैप्टन को उसका डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, मगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके पास ऑप्शंस होने ज़रूरी होते हैं, और वो ऑप्शंस अगर प्लेयर्स उसको दे तो उनमें से उसको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं वन डाउन आते हैं बैटिंग के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है कि कभी वो कहते थे कि मैं एक फ्लोटर हूँ, मैं किसी भी नंबर पर आ जाऊँगा, अब वो कहते हैं कि नीचे ज़रूरी है टीम में रहना। क्या एक कप्तान के तौर पर ये एक डिफ़िकल्ट चॉइस है जो धोनी अपनी बल्लेबाजी को लेकर ले रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहिए, सरप्राइजेस देने ज़रूरी है, मगर आप हर मैच को एक सरप्राइज दोगे तो इट डजंट वर्क। एक क्रिटिकल मोमेंट पे एक सरप्राइज देना ज़रूरी होता है, और मैं समझता हूँ कि अपनी टीम बिल्कुल बैकआउट नहीं करेगी कि वहाँ पे सरप्राइज देने के लिए, या कोई एक एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो वो ज़रूर करे। ये एक्सपेरिमेंट ही कभी कभी क्लिक कर जाते हैं, और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होते हैं वहाँ पे ऑपोजिशन जब तैयार नहीं होती वो सरप्राइज़ के लिए, तब आप उनको सरप्राइज़ दे दो और वो मैच जितवाओ। लेकिन जिस तरह के बल्लेबाज वो हैं, आपको अगर चूज़ करना हो विकल्पों के साथ टीम के भीतर, तो क्या आप चाहेंगे कि धोनी ऊपर बैटिंग करें या कम्फर्टेबल? मैं कहूँगा कि देखो, धोनी हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स रहे हुए, मगर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि बहुत सारे गेम्स उन्होंने इतनी अपने अंदाज में फिनिश किए हुए और सक्सेसफुल रहे हुए उस पर। आपकी बातों में कई सलाह हमें समझ में आए टीम इंडिया के लिए उनके समर्थन। ऑस्ट्रेलिया में ही पहला वर्ल्ड कप आपने अपने करियर का खेला था, पहली बार जब आपने वर्ल्ड कप खेला था तो वहीं पर खेला था। आज जब सचिन तेंदुलकर पलट कर देख रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को उसका खिताब बचाना है, कप दोबारा घर लेकर आना है, तो आपकी तरफ से वो क्या तीन सलाह होंगे टीम इंडिया? मैं कहूँगा कि प्रोसेस को फॉलो करो, प्रेशर के बारे में मत सोचो। बहुत आसान है कहना, मगर आप अगर अपने प्रोसेस पे, प्रेजेंट पे अगर फोकस रहते हो तो प्रेशर नॉर्मली बढ़ता है। आगे क्या होने वाला है या पीछे का एक्सपीरियंस क्या हो, खराब रह चुका था, उससे प्रेशर बढ़ता है।
तो मैं कहूँगा अगर आप प्रेजेंट में रहते हो, अगर पहली मैच खेल रहे हो तो पहले मैच के बारे में सोचो, तीसरे मैच के बारे में मत सोचो, पहले मैच को पीछे डालो, जीतो, फिर दूसरे मैच को सोचो। ये एक प्रोसेस जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर टाइम बिताएंगे तो क्रिकेट का डिस्कशन ज़रूर होगा। सिर्फ टीम मीटिंग्स में ही डिस्कशन होना ये ज़रूरी ऐसा है मैं नहीं समझता हूँ। कभी कभी आप डिनर कर रहे होते हो और एक कोई पॉइंट दिमाग में आ जाता है आपके, अरे ये शायद हम कर सकते हैं ये मैच में, तो एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ, सजेशंस और निकलेंगे, क्रिकेट के बारे में सोचो। और इक्वली खुद को ऐसे देखो कि आप अगर शाम को डिनर करते हो तो कभी कभी स्विच ऑफ करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अभी पिछले 3 महीनों में काफ़ी टफ क्रिकेट खेल चुके हैं और चैलेंजिंग मोमेंट्स थे, तो उनको भी पीछे रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई नेगेटिव थॉट्स इस टूर्नामेंट में ना ले आना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स अपने किट बैग में रखने चाहिए। सुबह जब आप अपनी बैग पैक करते हो होटल रूम में से ग्राउंड पे निकलने के लिए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को पैक करें और सिर्फ जीतने के बारे में सोचें और कुछ नहीं। सारा देश तुम्हारे साथ है। बहुत बार मुझे मैंने ये महसूस किया कि 2011 वर्ल्ड कप में मुझे हम टीम में ही ऐसे बैठे हुए थे और ऐसी बात चल रही थी कि ना होम है ना, हम होस्ट है तो एक होस्ट रहने का प्रेशर रहेगा, सारा क्राउड एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो यही हम सोचते थे कि सारा क्राउड हमारे साथ है, हमारे सर के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, हमारे साथ साथ चलने वाला है और हम सब इकट्ठा आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सोचे कि पूरा देश तुम्हारे साथ है, वेदर तुम चैलेंजिंग मोमेंट्स फेस कर रहे हो, कभी कभी हारोगे भी, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि आप लाइफ के सारे गेम्स जाके जीतो, कोई कोई गेम्स आप हारोगे भी, मगर जीतने के बारे में ही सोचो। आखिरी सवाल सचिन, ये आपने टीम हडल में कई दफ़ा किया होगा, आपने ड्रेसिंग रूम में कई दफ़ा किया होगा, उन छोटे छोटे डिनर्स में किया होगा जहाँ पर आप खिलाड़ियों को ले जाते हैं अपने साथ, बहुत सारे किस्से ऐसे सुने हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर इस वक्त टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन को देखते हुए, इस वक्त उनके ऊपर दबाव को देखते हुए, इस वक्त उनके सामने की चुनौती को देखते हुए, उन्हें अपने अंदाज में ऑल द बेस्ट कैसे कहेंगे? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अब तक मैं टीम इंडिया था और अभी सडनली मैं टीम इंडिया को विश कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबाव ऑल आप गेम की रिस्पेक्ट करो और गेम को एंजॉय करो, ये मत सोचो कि ना परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कौन क्या सोचेगा। आई थिंक ये सारे थॉट्स को पीछे रखो, आप जाओ और अच्छा क्रिकेट खेलो, अच्छी बिगनिंग करोगे तो टूर्नामेंट ज़रूर अच्छी जाएगी, और अच्छी बिगनिंग नहीं भी हुई तो डजंट मीन कि बाकी के मैचेस अच्छे नहीं होने वाले। बहुत बार कि मुझे याद है कि साउथ अफ्रीका में हम पहला मैच हॉलैंड के अगेंस्ट खेले थे और जितना चाहिए था उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, हम यू नो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे। दूसरी मैच हम खेले थे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, वो बहुत बुरी तरह से हारे थे तो क्राउड का रिएक्शन बहुत ख़राब था, तो उस समय हम सब वापस इकट्ठा हुए और हम एक दूसरे को जस्ट विश्वास देते रहे कि हम कर सकते हैं, और स्लोली स्लोली बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट हम सिर्फ एक टीम से हारे हुए थे विच वॉज ऑस्ट्रेलिया। तो मैं यही कहूँगा कि ना अच्छे थॉट्स रखो और जाके क्रिकेट को एंजॉय करो, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। अगर सचिन तेंदुलकर की दुआएं किसी टीम के साथ हैं वो टीम हार नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा जो देश है, जितने खेल प्रेमी हैं, जितने देशभक्त हैं, वो सब यही कहते हैं चैंपियन फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन बातचीत करने के लिए, टीम इंडिया को ये सलाह देने के लिए। मुझे यकीन है कि पूरी टीम इंडिया कान खोल कर इस पूरी सलाह को ध्यान में रखेगी और इसी पर चलेगी और उसके बाद टीम इंडिया बनेगी चैंपियन।